हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने कार इंडिका विस्टा में पीछे के शॉकर नए लगा के, जो पुराने ख़राब हो चुके हैं। तो मैं इसको एक दुकान में लेने आया हूँ, जहाँ से लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और पुराना भी आपको दिखाते हैं उसकी कंडीशन क्या है। उसकी बहुत ही ख़त्म कंडीशन है, वो बिल्कुल भी काम के लायक नहीं था। उसकी पूरी पूरा ऑयल लीक कर गया था और वो झटके बिल्कुल सहन नहीं कर पाता था, जिस कारण मुझे नए चेंज करने पड़ रहे हैं। और आपको दिखाऊं तो मेरे दोनों साकप ख़राब थे, अब इसको मैं चेंज के उसमें लेके चल रहा हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसमें ये हमारे दोनों नए सॉकर मैं ले गया, जो कुछ सीट में रखे हैं, और ये हमारे पुराने सॉकर निकल चुके हैं। इसको दबाओ, इनको आप देख सकते हैं, इनको अगर एक बार आप रुको, नीचे प्रेस कर देंगे तो ये इनको अपने आप ऊपर उठाना चाहिए, लेकिन इनमें ये अब नहीं रह गया। इनकी गैस ऑयल सब लीक कर गई है, जिस वजह से एक बार नीचे जाते हैं तो नीचे रह जाते हैं, खत्म ऊपर आते नहीं हैं। एक की तो खत्म। बहुत बुरी कंडीशन थी, उसको ऊपर नीचे ऐसे झटके से कर दो तो जाओ, हो जाता था, जिस वजह से मैंने दोनों को ये तो चेंज सबसे किया। ज्यादा खत्म है ना। नहीं, एकदम हमारे से दोनों सॉकर खराब खत्म हो है एकदम से। चुके, ये और जैसे इनका ये होता है कि अगर इनको जैसे आप प्रेस दबते हैं, करते हैं इनको तो ये अपने आप धीरे उठाना धीरे चाहिए, उठाते हैं ऊपर, तो ये क्योंकि अपने आप नहीं गैस उठते ऑयल हैं। दोनों जिससे की हमने मात्रा इसको बढ़ गई रिप्लेस है, करवाया, जिस वजह से ये ऊपर उठाते हैं। बहुत दिक्कत हो रही फिर थी, मैं ये दोनों ख़त्म कर राइडिंग चुका कंफर्ट था। एकदम से ख़राब हो चुका तो था। मैंने स्टीयरिंग लेते समय, स्टीयरिंग मोड़ते आज समय इनको एक तरफ चेंज गाड़ी झुक करवाने जाती की थी, सोचा, पलटने का बहुत क्योंकि ज़्यादा ये टेंशन था, इसीलिए मैंने इसको आप दोनों देख को सकते चेंज करवा हैं दिया। इनका सस्ते आते बूस हैं। बूस वगैरह हर चीज़ कट चुका था, क्योंकि गाड़ी लगभग 8 साल पुरानी थी। तो आपको हमारे मिस्त्री साहब रिंच जो लगा दिए हैं कि कैसे अब इनको खोल के नए वाले इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसे मिस्त्री साहब, इसमें टायर और खोलना नहीं पड़ता, नीचे झुक के ऊपर से एक नट खोलना पड़ता है, एक नीचे से, और हमारा सॉकर बाहर आ जाता है, जो मैं दिखा चुका हूँ नए इंस्टॉल हो रहे हैं, बस उसी तरीके से। और फिर दूसरा सॉकर इंस्टॉल होगा। ये नए सॉकर को आप देख रहे हैं कि ये नीचे इसको दबा दिए मिस्त्री साहब ने, ये अपने आप ऊपर उठाया, लेकिन पुराना पुराने को दबा दो नीचे रह जाता है, बाकी खींच के ऊपर कर सकते हैं अलग बात है। ये जैसे अभी हमारा दूसरा सॉकर इंस्टॉल हो रहा है, इसको भी मिस्त्री साहब लगा दें, फिर आपको मैं फाइनल दिखाता हूँ कि लगने के बाद ये कैसा दिखता है। और इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस, लगभग मेरे को 1300-1300 रुपये के पड़े हैं, 2600 में दोनों। लगने के बाद इनका कुछ ऐसा, ये हमारे नए साकब जब इंस्टॉल हो गए इसके बाद का है। तो इनको लग जाने के बाद हमारा राइड कंफर्ट बहुत अच्छा हो गया। पहले क्या था, अगर हम जैसे लेफ्ट राइट अगर गाड़ी मोड़ते थे तीखे मोड़ों पे, तो हमारी गाड़ी एक साइड इतनी झुकती थी, लगता था पलट जाएगी, पीछे से स्किड कर जाती थी, फिसलती थी, जिस वजह से बहुत वो होती थी, और गड्ढा आने पे वो झटके मतलब बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी। और उसमें ऐसा होता था कि अगर गाड़ी एक तरफ सीधे झुक जाती थी, जैसे उसको लूम जिसको बोलते हैं कि लूम मार रही है गाड़ी, ऐसे टाइप में होती थी, और अगर पहाड़ी इलाकों में हो तो इसमें पलटने का भी बहुत ज़्यादा डर था, जिस वजह से मैंने रिस्क को ना उठाने के लिए नए सॉकअप डलवाए। और ये लगने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं।